नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और फार्मिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आम की नई निकलने वाली टहनियों को नुकसान पहुंचाने वाला कीट यानी मैंगो सूट बोरर के बारे में। खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मैंगो सूट बोरर या आम की नई निकलने वाली टहनियों का छेदक कीट। पहचान की बात करें तो इस कीट के वयस्क पतंगे भूरे काले रंग के होते हैं और यह पतंगे आम की नई निकलने वाली टहनियों या कोमल भागों के ऊपर कुछ मलाई जैसे व्हाइट कलर के अंडे देते हैं और कुछ 3 से 7 दिनों के भीतर इन अंडों से निकलकर इसके लार्वा नई टहनियों को खाना शुरू कर देते हैं। कुछ 10 से 12 दिनों तक नुकसान पहुँचाने के बाद इस कीट के लार्वा नीचे गिर कर प्यूपा में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार से इसका जीवन चक्र चलता रहता है। बारिश के टाइम में और ज़्यादा नमी वाले हवामान में इस मैंगो सूट बोरर का प्रकोप बढ़ जाता है और ज़्यादा टेम्परेचर में इस कीट का जीवन चक्र कुछ थम सा जाता है। मैंगो सूट बोरर की इल्लियाँ पौधों पर नई निकल रही कोमल ब्रांचें, पत्तियों और पुष्प क्रम को ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। यह कीट नई कोमल टहनियों में छेद करके अंदर घुस जाती है और मध्य सिरा में सुरंग बनाती हुई आगे बढ़ती है। टहनियों पे किए गए प्रवेश छिद्रों के पास इस कीट का मल भी देखने को मिल जाता है। इसके प्रकोप से नए सूट्स मुरझाकर नीचे झूल जाते हैं और सूखकर गिर जाते हैं। यह कीट सिर्फ कोमल भागों पर ही भोजन करके नुकसान पहुंचाता है। इसका प्रकोप ज़्यादा होने पर पौधों के ऊपर निकला हुआ सारा नया फुटाव बर्बाद कर देते हैं। आम के बागों में बरसाती सीजन में या खासकर पौधों की कटाई छटाई यानी प्रूनिंग के बाद जब नया फुटाव निकलता है, उस वक्त इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अब इस मैंगो सूट बोरर को नियंत्रित करने के उपायों की बात करें तो निवारक उपायों के तौर पर समय समय पर खेत की जुताई करके इस कीट के प्यूपा को नष्ट किया जा सकता है। इससे प्रभावित टहनियों को निकाल कर नष्ट कर देना चाहिए। जैविक नियंत्रण के तौर पर जब इस कीट का प्रकोप कम हो यानी इसका शुरुआती स्टेज चल रहा हो, तब ही लहसुन और मिर्च के अर्क का जो कीटनाशक बनाते हैं उसका छिड़काव करने से भी इस कीट को दूर रखा जा सकता है। अब रासायनिक उपायों की बात करें तो कार्बोरिल 50% WP की 10 ग्राम मात्रा या फिर डाइमेथोएट की 20 ml मात्रा प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर पौधों के ऊपर स्प्रे कर देने से इस कीट को नियंत्रित किया जा सकता है। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर और चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब। जय किसान, जय हिंद।